त्योहार के सीजन शुरू होते मिलावट खोरी के धंधा कलाए बहुत तेजी से शुरू हो जाते हैं, जेके खातिर खाद्य विभाग सख्त है और मिलावट खोरी में लगाम लगावे खातिर सार्वजनिक हेल्पलाइन नंबर आम जनता खातिर जारी किए गए हैं, जोने में आम जनता मिलावट खोरी के शिकायत कह सकती थी। जनता के एम पहचान जो है गोपनीय रखे के घलाई बात कही गई है। ऐसा लागत है कि कुछ लोगन का आम जनता के जान से अधिक व्यापारिन के चिंता है। बता दी कि हाल ही में एक सोशल मीडिया में एक ऑडियो जो है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जो बतावा जाता है कि यह ऑडियो में जो आवाज़ है वह राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल के आए। ये ऑडियो के मुताबिक जो मेर से राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल बात कह रहे हैं, उसे लागत है कि उस सीएम शिवराज सिंह चौहान के मिलावट खोरी के विरुद्ध अभियान में जो अभियान के खिलाफ है वो खड़े भी हम। हालांकि एमपी संदेश न्यूज 24 ए वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करे, पर जो में से मंत्री जो उन्हें अधिकारी का धमका रहे हैं उसे सख्त लागत है कि नहीं चाहा कि उनके क्षेत्र में कार्रवाई हो, मिलावट खोरी में लगाम लगावे। बहुत सख्त तेवर में अधिकारी का एक वायरल ऑडियो में धमकी दी जा रहा है, जो उनके अब सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचायत समझने का प्रणाम करते शुरू गई थे वायरल ऑडियो से। हमने बता दी कि जो सोशल मीडिया में ऑडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, अब इन्हें त्योहार का लेके राज्य सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि खाद्य पदार्थ में मिलावट करे वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। एक खातिर बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जो आम जनता शिकायत कर सके थी। शिकायतकर्ता के जो नाम है गोपनीय रखे के बात की गई है। पर जो ऑडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, उसके मुताबिक यह लागत है कि जो राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल हैं उनका आम जनता से अधिक व्यापारिन के चिंता है। वायरल ऑडियो में झुनावाज ही राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल के बताई जाती है, जहां उस सीएम के मिलावटखोरी के अभियान के खिलाफ खड़े हो दिखा लहमा। उनके मुताबिक अगर अमरपाटन में एक उठे व्यापारी के केस बनी तो उल्टा लटकाए दे ही खाद्य अधिकारी। अब ए के बाद से घटना के बाद से जांच खातिर हाथ खड़ा कर दी। अपने बता दी कि हाल ही में ही सतना में खाद्य अधिकारी के साथ मारपीट भई रही, जिसके बाद यह जो ऑडियो है ओहू का मारपीट के केस से जोड़ा जा रहा है। बतावा जाता है कि जो मारपीट भई रही खाद्य अधिकारी के साथ, ओके मामले में ही एफआईआर दर्ज नहीं भई रही। एहू के जो पीछे के कहानी अब ए वायरल ऑडियो से जोड़ी जा रहा है। अपना बता दें कि राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल के एक और ऑडियो सौहियाबा है, जोने माँ कह रहे हैं कि अधिकारी का धमका रहे हैं कि अगर आप नहीं सुधरे, बहुत शिकायत है आपकी, जिस दिन हम भोपाल जाएंगे तो लिख दूंगा, चले जाओगे झाबुआ मंदसौर तरफ तो फिर कर लेना जांच, तुम पूरे जिले में रहो, अमरपाटन रामनगर छोड़ दो, समझ में नहीं आ रहा है तुमको। ये जो वायरल ऑडियो हो रहा है एमा राज्य मंत्री साफ लहजे में धमकी दे दिखा रहे हैं, जोने के बाद अब ये कर तार है ऑडियो के जो तार है, अब इन्हें जो हाल में सतनावा खाद्य विभाग के अधिकारी के साथ मारपीट भी हुई है, उसमें एफआईआर दर्ज नहीं किए गए। अब बेहू के तार वो घटना के साथ जोड़े जा रहा है, यह हो सकता है अंदेशा जतावा जा रहा है कि यहीं से जो ना अधिकारी हाँ वो एफआईआर दर्ज करे से हाथ पीछे खींच रहा है। हालांकि एमपी संदेश न्यूज 24 ए वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करे, पर जो ने मेर से अब यह ऑडियो सुहियावा है उसे तो यह लागत है कि जो उन्हें अब आम जनता से अधिक नेता का मंत्री का लोगन का व्यापारी के अधिक चिंता ही है। आम जनता के सुरक्षा से उनका कोनो खास मतलब नहीं आए। सतर्क रही, सजग रही, दे इजाजत रखिए अपन और अपने परिवार के ख्याल। प्रणाम। समरपाटन विधानसभा में किसी व्यापारी का केस ना बने, नहीं उल्टा आपको उल्टा लटका देंगे। सर जानता हूँ, जानता हूँ। कहाँ सर, मैं तो सुधरा हुआ हूँ। नहीं, इतनी शिकायत रामनगर मुकुंदपुर और पाटन आपकी। मुकुंदपुर सर मैं एक साल से नहीं गया। मैं जिस दिन अब जाऊंगा भोपाल तो लिख दूंगा, तो चले यहाँ पे वही जाग हुआ है और उधर बनसा तरफ, तो कर लेना फिर जाग। वो आप करवा क्या बताएं, वो एक साल से मैं नहीं गया सर मुकुंदपुर। एक साल अमर पाटन रामनगर में शिकायत कर रहे हैं, वो बता दिए पूरे जिले में रहो, अमर पाटन रामनगर छोड़ दो, समझ में नहीं आ रहा है आपके। सर एक काम करिए, मेरा अमर पाटन विधानसभा में किसी व्यापारी का केस ना बने, नहीं उल्टा आपको उल्टा लटका देंगे। सर जानता हूँ, जानता हूँ।